वेलकम टू अवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। न्यू रिजर्वेशन स्कीम अप्लाई हो चुकी है ऑल इंडिया कोटा सीट्स के ऊपर नीट में। जब से ये न्यूज आई है नीट एस्पिरेंट के दिमाग में सवालों का अंबार लग चुका है और जायज भी है। सबसे बड़े सवाल जो है उनमें से कई जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं से ही आपके सारी क्वेरीज दूर हो जाएगी। स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल ये है कि सर पहले क्या होता था, अब ये न्यू रिजर्वेशन स्कीम अप्लाई हुई है तो अब क्या चेंज हो गया है। एक तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा आपको। सेकेंडली, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों को ये पहला वाला पार्ट समझ में आता है, जिनको पता है, वो सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस स्कीम का अगर इफेक्ट पड़ता है तो कट ऑफ के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा क्या, तो ये भी आपको इस सेकेंड वाले पार्ट में हम बताने जा रहे हैं। चलिए जी, इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पहले क्या हुआ करता था, मतलब अब तक जितने भी एग्जाम हुए नीट में उसमें क्या होता था कि जैसे मान लेते हैं कि आप जो एग्जाम देते हो नीट का, वो आपके स्टेट के अंदर जो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए भी वही एग्जाम है और ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी सीट्स हैं उनके लिए भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स समझिएगा कि जैसे हम बात करें कि सर इंडिया कंट्री के अंदर मान लेते हैं टोटल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ओके। तो मानते हैं कि हम सर यहाँ पर 1000 सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, 1000 सीट्स हैं, एज्यूम कर लिया टोटल ऑल ओवर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हैं वो 1000 है। इस 1000 सीट्स के ऊपर अगर हम 15% अप्लाई करें, कितना परसेंटेज, 15% सीट्स अप्लाई करें तो ये हो जाती है 150 सीट्स। अब आप देखिए 150 सीट्स जो हैं ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, ये इनको बोलते हैं AIQ, ऑल इंडिया कोटा सीट्स। अब आप बताइए 150 सीट्स के ऊपर, जैसे मैं राजस्थान का हूं, मैंने फॉर्म भरा तो मेरे राजस्थान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं मान लेते हैं कि उनमें टोटल सीट्स 100 है, टोटल मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट्स है, तो राजस्थान के अंदर टोटल 100 सीट्स में से 15 सीट्स जो है, कितनी 15 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, बाकी 85 सीट्स जो हैं वो मेरी सीट्स हैं। मतलब मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं वहां 85% सीट्स पर मेरा अधिकार है और 15% सीट्स पर भी मेरा अधिकार है, लेकिन और कैंडिडेट आउट ऑफ द स्टेट वालों का भी अधिकार है, ओके। आप बताइए कि सर अब तक जो होता था ये 150 सीट्स में, तो यहां पर कोई भी स्टेट का कैंडिडेट किसी भी स्टेट के अंदर इन सीट्स के अंदर जा सकता है। तो अब यहां पर अपन अप्लाई करते हैं कैटेगरी। अब यहां पर पहले कैटेगरी थी ओनली 3 कैटेगरी, यानी कि पहले एक कैटेगरी SC कैटेगरी, दूसरी ST कैटेगरी और जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी अनरिजर्व कैटेगरी। अब अनरिजर्व कैटेगरी सर ओबीसी कहां है इसमें, तो पहले अब तक ओबीसी का कोई भी स्टैंड नहीं हुआ करता था, जनरल वाले कैंडिडेट की तरह ही ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट्स हुआ करती थी उन पर ओबीसी का कोई हक नहीं था, वो जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट होता था और EWS वाले जो कैंडिडेट थे उनको भी जनरल की तरह ट्रीट किया जाता था। कौन सी सीट्स पर, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पर। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है वो सुन लीजिएगा, क्या सर सभी ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी स्टेट के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्या EWS OBC ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं था? था, और वो था ओनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे रिलेटेड कॉलेजेस में। जैसे कि एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले मेडिकल कॉलेजेस, वैसे तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जैसे MMC, UCMS और LHMC, VMMC एंड RML जो है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आते। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले ये जो 3 कॉलेज थे MMC, UCMS और LHMC, इनके अंदर जितनी भी सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा की, टोटल सीट्स नहीं, टोटल सीट्स में से जो 85% सीट्स हैं वो तो दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, जो 15% सीट्स थी गाइस उनके अंदर ये अभी वाला स्कीम पहले से ही अप्लाई होता था। EWS, OBC और SC ST तो ऑलरेडी थे ही, EWS और OBC। अब क्या कर दिया है कि ऑल इंडिया कोटा में जितने भी स्टेट के जितने भी मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल सीट्स हैं उनका जो 15% जितना भी सीट बनेगा, गवर्नमेंट का बता रहा हूं मैं, ओके, उनमें अब अनरिजर्व कैटेगरी को स्प्लिट कर दिया गया है। अब अनरिजर्व कैटेगरी नाम की कोई चीज नहीं है, अब यहां पर स्प्लिट कर देते हैं इसको। पहले ओबीसी EWS इसी में ही आते थे, अब की बार इसको मैं नया कैटेगरी बनाऊं तो अब क्या होगा, एससी कैटेगरी अभी भी होगी, ये पिंक वाली अभी वाला स्कीम है, और एसटी कैटेगरी अभी भी होगी, अनरिजर्व कैटेगरी नाम का कोई चीज नहीं होगा। तो फिर अब क्या होगा,
अनरिजर्व कैटेगरी की जगह आ जाएंगे जनरल कैंडिडेट. कौन सा कैटेगरी? जनरल कैटेगरी. इसके अलावा यहां पर आ जाएगा ओबीसी कैटेगरी, और ओबीसी कैटेगरी का परसेंटेज कितना है? 27% रिजर्वेशन है. और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसमें ऐड कर दी गई है. अब इसके सब बंदर बांट होने वाली है. 150 के अंदर ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस के अंदर हम लगा देते हैं कितना परसेंटेज? 10% ईडब्ल्यूएस को यहां पर सीट मिला है. तो समझ गए आप लोग? आप बोलेंगे सर डेढ़ सीट होती है 10% का, तो इसका सम बना लेते हैं. वो 150 ही नहीं होती है, बहुत सारी सीट्स होती हैं, उनको वो एक सम बना करके एक एवरेज निकाल करके फिगर यहां लगा देंगे. ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी. अब ये अनरिजर्व नाम का कोई चीज नहीं रहेगा. अब आप बताइए पहले कट ऑफ कितनी आती थी? एससी की कट ऑफ आती थी ऑल इंडिया कोटा के लिए, है ना, एसटी की अलग आती थी, और अनरिजर्व कैटेगरी की सबकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल सभी की एक कट ऑफ आती थी. अब ओबीसी की अलग कट ऑफ आएगी, ईडब्ल्यूएस वालों की अलग कट ऑफ आएगी, जनरल की अलग कट ऑफ आएगी, एससी की अलग आएगी, एसटी की अलग आएगी. तो पहले 3 कट ऑफ, अब 1, 2, 3, 4, 5 5 कट ऑफ आएंगी इस साल. और आपको बता देते हैं कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जो सबसे बड़ा सवाल है. ऑब्वियस दिख रहा है कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिला है, तो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी सीट मिल जाएगी. तो अगर इमेजिन करें कि मान लेते हैं एक फिगर, ये अगर मान लेते हैं कि कट ऑफ अगर 615 आ रही है, कितनी आ रही है? 615 कट ऑफ अगर जनरल कैंडिडेट की आ रही है, तो ओबीसी की कट ऑफ आएगी ऑलमोस्ट 605. और यही अगर हम बात करें कि सर ईडब्ल्यूएस की, तो ये इससे भी कम आती है. ये मेरे एक्सपीरियंस और डेटा के बेसिस पे आपको बताने जा रहा हूं मैं. और ये आएगी ऑलमोस्ट 600 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ आएगी. ओके तो स्टूडेंट्स, और एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो है उनके तो पहले से ही पता है, पहले जिस तरीके से होता था उनमें कोई बदलाव नहीं है, करेक्ट. तो ये वाला स्कीम होने वाला है और इस तरीके से कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है स्टूडेंट्स. तो जैसा मौलाना आजाद यूसीएमएस एलएचएमसी में अब तक होता आया है, वैसे के वैसे ही वीएमएमसी में भी होने वाला है, और आपके आरएमएल में भी होने वाला है. ये होगी दिल्ली की बातें. और अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के कॉलेजेस के अंदर पहले कोई रिजर्वेशन नहीं था, अब ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के ऊपर भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अप्लाई हो चुका है. तो ऑब्वियस है कट ऑफ कम. अब एक कैंडिडेट क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ये जो आपका फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनका जो परसेंटेज रिजर्वेशन होता है वो सर ये ऑल इंडिया की टोटल 15% सीट्स का रिजर्वेशन होता है क्या? वो नहीं स्टूडेंट्स. हमेशा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ में उनकी कैटेगरी पेस्ट की हुई होती है. जैसे मान लो मैं ओबीसी का फिजिकल हैंडीकैप्ड हूं, और मान लेते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए मानते हैं कि 10% रिजर्वेशन है, एक इमेजिन कर लेते हैं. तो 10% रिजर्वेशन अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड का है तो वो 10% टोटल का नहीं होता. वो फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर ओबीसी से बिलोंग करता है तो 150 का पहले 27% निकालेंगे, और जो वैल्यू एक्स आएगी उस एक्स वैल्यू का कितना परसेंटेज निकालेंगे? 10% ऑफ एक्स, वो हो जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए ओबीसी की रिजर्व सीट में भी रिजर्व सीट्स. ऐसे ही अगर एससी कैंडिडेट का फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो एससी कैटेगरी का जितना भी परसेंटेज रिजर्वेशन है उस 150 पर अप्लाई करिए. मान ले वाई वैल्यू आती है तो इस वाई वैल्यू के ऊपर अब पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली वीक जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटेज मान लो 10% है, तो उस 10% को हम अप्लाई करें. एग्जाम्पल लिया 10%, तो अगर वो 10% अप्लाई करना है तो एससी के रिजर्वेशन को यहां अप्लाई करेंगे, उससे वैल्यू बनेगी, उसका 10% निकालेंगे, वो जो सीट्स होंगी वो एससी कैंडिडेट के फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व है. अगर वो सीट अगर वो कैंडिडेट नहीं आता है तो वो जनरल एससी वालों को दे दी जाती है, क्योंकि वो एससी की सीट्स है. आया समझ में? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. आई थिंक आपको ये सारे फिगर सारी एल्गोरिदम समझ में आ गए होंगे. और ऐसे ही कई सारी बातें जो है मैं आपको बताता रहूंगा स्टूडेंट्स. काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चीजें पूछनी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हम आगे से ही आपको वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते जाएंगे. तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए हमारे चैनल से. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए. नोटिफिकेशन आपके पास में आना बहुत जरूरी है, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. इस वीडियो से अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो, अच्छा लगा हो, क्वेरीज दूर हुई हो और कुछ बातें समझने को मिली हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स. और अगर कुछ बातें अभी भी है या कुछ कमेंट बॉक्स में आपको कुछ अच्छा कहना है, बुरा कहना है, दिल खोल के लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर. थैंक यू सो मच.